हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि हमारा सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे के अंदर TTE ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2024 में। बहुत ये वैकेंसी हम सभी के बीच आने वाली है। बम्पर नंबर की सीट है, टोटल 8460 सीट्स के लिए वैकेंसी रहेगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। तो अगर आप भी इसको लेकर इंटरेस्टेड हो, इतने सालों से आपने भी इंतजार किया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, रेलवे के अंदर TTE की रिक्रूटमेंट आई है 2024 के रिगार्डिंग। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE, जिसको बहुत सारे लोग TC भी बुलाते हैं, टिकट कलेक्टर के नाम से भी इनको जाना जाता है। सो बेसिकली ये जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड RRCB के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 8460 सीट्स रहने वाला है यहाँ पर, मतलब कि 8500 के करीब अभी सीट बताया गया है। इन फ्यूचर ये सीट्स इंक्रीज भी किया जा सकता है। वहीं पर अगर फॉर्म के फी की बात करूं, जनरल OBC से लिया जाएगा 500 रुपीज, जिसमें से कि आफ्टर एग्जाम जो भी बच्चे एग्जाम में बैठेंगे उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा 400 रुपीज। बस 100 रुपीज आपका जो रेलवे डिडक्ट करके बाकी 400 रिटर्न करेगी आफ्टर एग्जामिनेशन। SC ST EWS वीमेन, एक सर्विसमैन एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, सबसे 250 रुपीज यहाँ पर फॉर्म फी लगेगा, जो कि आफ्टर एग्जाम फुल्ली रिफंड कर दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करूं, मिनिमम 18 इयर्स एज है एंड मैक्सिमम 30 इयर्स, मतलब 18 से 30 साल के बीच के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल रहेंगे। रिलैक्सेशन की अगर बात करी जाए तो एज पर यू नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट OBC को 3 इयर्स का देता है रिलैक्सेशन एंड SC ST को 5 इयर्स का देता है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इतना सब आपने बता दिया मैम, फॉर्म कब से अप्लाई होगा? तो आपका जो फॉर्म है ना, मिड फेब से आपको 15 फरवरी से लेके मार्च 2024 के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो इंतजार ज्यादा नहीं करना है, चलिए देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। 10th पास आउट, साथ ही साथ जिनके पास डिप्लोमा है या फिर जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट है, डजंट मैटर साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या स्ट्रीम है, क्या परसेंटेज है, सिंपली 12th पास है या फिर 10th कर रखे हैं और साथ ही साथ डिप्लोमा किया है, वो सभी इलिजिबल रहने वाले हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 stages। एट फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्जाम लिया जाएगा, उसको क्वालिफाई करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम जो होगी उसकी क्या पैटर्न यहाँ पे रहने वाली है। पहले ही बता दिया है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 2 आवर्स। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करी जाए तो 1/3 का आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होने वाला है। आइए देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से मिला के आपको 200 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। सेकंड अरिथमेटिक्स, मतलब मैथ्स के 40 क्वेश्चंस। थर्ड आपका रीजनिंग एबिलिटी है 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। फोर्थ सब्जेक्ट है टेक्निकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। लास्ट सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस है 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। आई होप एग्जाम पैटर्न फुल्ली क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये एग्जाम का आप जब क्लैरिफाई कर लेते हो, क्वालिफाई हो जाओगे, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो आपको पता है कि जब फॉर्म अप्लाई होता है तो जोन वाइज होता है, तो जिस जोन में आप अप्लाई करोगे उसी जोन के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको जो है सीट एलोकेट किया जाएगा, वहां पर आपको सर्व करना पड़ सकता है। ये जान लेते हैं कि सर्व करोगे तो सैलरी क्या दी जाएगी। योर स्टार्टिंग सैलरी विल बी 36,000 रुपीज, 36,000 रुपए से आपका यहाँ पर सैलरी स्टार्ट होगा।
आफ्टर पार्ट्स अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पर आपकी सैलरी 52,000 रुपीज, मतलब कि 52,000 रुपये सैलरी आपको पर महीने मिलेगी। इसमें बहुत सारे पर्क्स होते हैं जो कि आप रेलवे के वेबसाइट या फिर कहीं गूगल करके भी देख सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और रही बात कि इसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो सारी डिटेल मैं एक नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, वहां पर जाके डाउनलोड करके एक बार अच्छे से आप रीड कर लेना। और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हो कि आप मुझे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां फॉलो कर लो। और अगर इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया उसमें कुछ क्वेरीज हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, कमेंट सेक्शन में पूछो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।